हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उस निशान का मतलब बताने वाला हूँ जो निशान आप रोज अपने मनपसंद ड्रामे यानी अर्तुरुल गाजी में देखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ काई कबीले के निशान की, कि आखिर उस निशान का मतलब क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काई कबीले के झंडे पर बनाए गए निशान या अलामत का क्या मतलब है और उसको कहाँ से लिया गया है? तो ये निशान असल में बल्गारिया के एक हुक्मरान डोलू कबीले का निशान है। सबसे पहले मंगोलिया और साइबेरिया से बल्गारिया में आने वाले लोगों का ये निशान था, जो जिंदगी के पेड़ की अलामत है। साथ ही ये निशान रूसी फेडरेशन के एक मुल्क चुवाश के झंडे पर बने निशान से भी मिलता है। चुवाश और बल्गारिया के लोग असल में तुर्क नस्ल के लोग हैं। दोस्तों, काई कबीले के लोगों की आबादी बल्गारिया और चुवाश में काफ़ी है। काई कबीले के लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी तादाद में आबाद हैं। कबीले का मरकज तुर्की का सूबा बेल्जिक है, जो शायद मलिका सबा के नाम बिल्किस पर रखा गया हो और तुर्क जुबान में बेल्जिक हो गया हो। तुर्की में आज काई कबीले की हुकूमत नहीं, लेकिन काई कबीले के झंडे की वही इज्जत है जो तुर्की के झंडे की इज्जत है। इस कबीले के लोग आज जदीद ज़माने में भी अपनी रिवायत और एकदार के पासदार हैं और उसका एहतराम उनके दिलों में बसा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस निशान का मतलब पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।